bum pa ra 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 ram. मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही भर जावे, मन नहीं भरता। सत श्रीकाल जी, मैं सिर्फ लाल सिंह चड्ढा। ਵੱਡੇ ਜੁੱਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿਤੀ ਥੀ ਕਿ ਜੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸੇ ਕਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੋਂ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, गल यह है कि मैनू यही पसंद है। वैसे तो मैंने लाइफ में बहुत सारे जूते पहने हैं, लेकिन मेरे पहले जूते मैनू आज भी याद हैं। मम्मी कहती थी जादू दे जूते हैं वो। ओके लाल, रेडी? ये जादू दे जूते हैं लाल। लाल चल के देखो। ओ आराम वाला कौन? चल शाबाश, गो लीजिए। पूरी हो गया आपकी जिद? मैं अभी भी कहता हूं इसके पैर बिल्कुल अच्छे हैं, बस इसके दिमाग में शैतान है। ओ लाल, लाल। मेरा नाम पहले लाल नहीं था जी, वो था मेरे नाना जी का नाम था। जिस साल मैं पैदा हुआ ना जी, उस साल नाना जी जंग लड़ने चले गए पाकिस्तान।
ते वो वापस ही नहीं आए। मेरे पर नाना वो वर्ल्ड वॉर नंबर टू दी जंग से नहीं लौटे, और जो मेरे पर नाना थे वो वर्ल्ड वॉर नंबर वन से नहीं लौटे जी। उना तिन्ना दा नाम लाल था जी, मम्मी नू उन तिन्नों पर बड़ा गर्व था जी। ता मम्मी ने मेरा नाम भी लाल रख दिता। बहुत सोने लग रहे लाल। हेलो भैन जी, गवर्नमेंट दी स्कीम चल रही है, आधी कीमत में मिल रही है ये दवाई। पिछले साल बग्गे पाजी ने ये दवाई अपने खेतों में डाली थी। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में लागू इमरजेंसी को उठाने की घोषणा आज नई दिल्ली में की। जी लो, खत्म हो गई इमरजेंसी, जान छुट्टी है। लाल, है पकड़, घोषित की गई थी। चल मैं ले लेता हूँ। ओए तू अपना काम कर, वो खुद उठाएगा। गल सुन लाल, ऐसा कोई काम नहीं है जो तू खुद नहीं कर सकता। तेनू किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जे वाहिगुरु ने सबनों एक जैसा बनाना होता तो फिर इतने सारे अलग अलग बंदे बनाता क्यों? मम्मी चीजों को बड़ी चंगे ढंग से समझाती थी जी, बहुत स्मार्ट थी मेरी मम्मी। पूरी खेती खुद संभालती थी। हम करौली विच रहते थे, पठानकोट से 10 किलोमीटर दूर। जिस कार विच हम रहते थे वो मेरी मम्मी दी फैमिली दा सी। वो मेरे नाना ते पर नाना ते पर नाना किसी ने तो बनाया था जी। हाँ पुपी, आजा। सुन लाल, मैं जो किया है वो हमेशा याद रखी, किसी से कम नहीं है तू, बाकी बच्चों जैसा ही है, बिल्कुल अलग नहीं है तू। आपका बच्चा अलग है। देखिए बहन जी, कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, कुछ होते हैं नॉर्मल, और कुछ नॉर्मल से कम, जैसे आपका लाल। हम उसे अपने स्कूल में एडमिशन दे ही नहीं सकते। आप तो जी उसे वो स्कूल में डालो जहाँ वो कम अकल बच्चे जाते हैं। कम अकल नहीं है मेरा लाल, मेरा लाल सब समझता है, थोड़ा वक्त लगता है बस। उसे वो ही शिक्षा मिलनी चाहिए जो बाकी बच्चों को मिलती है। बहन जी, एक तो पहले आप स्कूल के 4 चक्कर लगा चुकी हैं, उसके बाद आज छुट्टी के दिन मेरे घर आ धमकी। मुझे चर्च जाना है, मेरी काम वाली भाई 4 दिन से गायब है, खाना बनाने वाली किसी के साथ भाग गई है। मैं खाली पेट बर्तन माज रहा हूँ बहन जी, आपको पता है ना नौकरों का कितना प्रॉब्लम है। आप प्लीज जाइए यहाँ से और फिर मत आइएगा स्कूल में भी नहीं। तो रुके थे। मैं रोज आके खाना बना देंगी, घर दी साफ सफाई भी कर दूंगी और बर्तन भी मांज दूंगी। बच्चे के पिताजी क्या करते हैं? वो परदेश विच रहिंदे हैं। आप बड़े घर की लगती हैं, सचमुच बर्तन मांजेंगी, खाना बनाएंगी रोज? जब तक मेरा लाल आपके स्कूल में पढ़ेगा तब तक। आप बिना बहन जी पढ़ो, बहुत फिक्र है तेरी माँ को तेरी, मन लगा के पढ़ना। मेरे स्कूल दा पहला दिन, मेरी जिंदगी दा सब तो डरावना और सब तो चंगा दिन जी। देख पुत्र, बहुत मेहनत करनी है, जिन्नी तेरे से हो सकती है उससे थोड़ी ज्यादा। मैं जावा? रुक जाना प्लीज। ओए होए, मैं शामी आवांगी ना तेनों लेन वास्ते। रुक जाना मम्मी, बस आज। अच्छा ठीक है, मैं यहीं पे बैठूंगी, जब स्कूल छूट जाए तो इत्थे आ जाए। चल जा।
दोस्त की शीट है। अच्छा नहीं पिछड़ा। अजीब गल है जी, यादों पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैनू ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा, मैनू याद नहीं। पर दुनिया की सब तो मिठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी, वो पल मैनू अज भी याद है। यहाँ बैठ जाओ। इन्ना सोना चेहरा मैं कदी नहीं देखिया सी। क्या देख रहे हो, बैठ जाओ। तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। कहाँ रहते हो? अपने घर विच। बुद्धू हो क्या? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। उसनु हंसते हुए देख के मैनू बड़ा चंगा लग गया जी। तुम्हारा नाम क्या है? मासेल्फ लाल सिंह चड्डा। मासेल्फ रूपा, रूपा डिसूजा। पेड़ पे बैठे रहते, तारे यहाँ दा इंतजार कर दे। कर चले, शाम हो गई। रुक रुक जाओ ना प्लीज। ठीक है। पता नहीं क्यों रूपा नू अपने घर जाना चंगा नहीं लगता था। एक दिन मम्मी ने पिंड दा पहला टीवी खरीदिया। सारा पिंड टीवी देखण आ गया जी। रूपा, मेरे साथ ब्याह करेगी तू? मेरी सब तो चंगी दोस्त थी, एक ही दोस्त थी, रूपा। रूपा मेरी मासी थी, उनका नाम भी रूपा था। मेरी मासी का नाम मनजीत है जी, वो अमृतसर विच रहती थी। हमें जब भी मौका मिलता हम उनके पास चले जाते थे। एक बार जब हम अमृतसर स्टेशन पहुंचे तब मैं देखिया कि वहाँ बहुत सारे फौजी हैं। सत श्री अकाल। रात बिजली चली गई जी, पता नहीं कित्थे। और फिर चार पांच दिन तक वापस ही नहीं आई। अगले कुछ दिन तक बड़े धमाके हुए,
ऐसा लग रहा था जैसे धरती कांप रही है, भूचाल आ रहा है। मम्मी बहुत रो रही थी। बाहर नहीं जाना। क्यों माँ? ओ बाहर बाहर मलेरिया फैले हुए, नहीं जाना। उस दफा हम अमृतसर विच घर से बाहर ही नहीं निकले जी। पुत्र जी, तेरी मासी अब भी अमृतसर में रहती है? नहीं जी, अगले महीने ही मासी दिल्ली शिफ्ट हो गई जी। मैं पहली बार दिल्ली उन्हीं के घर गया था। मेरी मासी दा मुंडा और उसके दोस्त मैनू बड़े चंगे लगते थे जी। वो फिल्मी गाने लगा के डांस करते थे। उनमें से एक मुंडे नू मेरी डांसिंग बहुत पसंद आई। अरे रुक क्यों गए? बहुत अच्छा कर रहे हो, दोबारा करके देखो। मैं फिर उसनू अपना वाला डांसिंग स्टाइल सिखाया जी। उस तो बाद वो मुंडा बहुत वड्डा एक्टर बन गया जी। मैंने उसकी काफी पिक्चरें देखी हैं। कुछ कुछ उंदा है, कलो ना हो, मैं उना, डीडी एलजे। कौन? शाहरुख खान? आहो जी, शाहरुख खान बहुत ही सोना मुंडा है जी। वो दिल्ली दा ही है। तुसी दिल्ली गए हो? नहीं जी, मैं नहीं गई। ओ जी, मैं ता सारा दिल्ली देखिया है। मेरी मासी हमें दिल्ली दिखाने वास्ते ले जाती थी। फेम तक आ रही है, इंदिरा गांधी रहती है ते। एक दिन घूमते घूमते मैंने फिर धमाकों की आवाज सुनी। इंदिरा गांधी, रूलर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, डाइड टुडे, शॉट डाउन बाय टू ऑफ हर ओन बॉडीगार्ड्स। दे वर सिक्स टेकिंग रिवेंज फॉर द इन्वेजन ऑफ देयर टेंपल इन जून। उसी दिन शाम नू हम गांव वापस जाने वास्ते स्टेशन के लिए निकले जी। एकदम से हमने देखा कि कुछ लोग साढ़े ऑटो दे तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। वाहिगुरु, वाहिगुरु। लाल चल, चल जल्दी चल। पता नहीं क्यों वो हम पे बड़ा गुस्सा थे जी। हम तो पहले उनसे कभी मिले भी नहीं थे। मम्मी मैनू लेके भागी।
वाहेगुरु मैं माफ करें, माफ करें, शायद वो लोगों को मेरे लंबे बाल पसंद नहीं थे जी, इस वास्ते मम्मी ने मेरे बाल कट दिते। मम्मी ने बताया कि उस दिन जो धमाके हुए थे ना, वो दरअसल गोलियां थी। उन गोलियों से हमारी प्रधानमंत्री मारी गई जी। बहुत बुरे दिन थे जी, मैं भी दिल्ली में ही था उन दिनों। ये भी चमत्कार ही समझो कि मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ। आओ जी, मेरी मम्मी कहती थी कि दुनिया में चमत्कार होते हैं जी। अब कुछ लोग उस पर विश्वास नहीं करते, पर मैं तो आनू बता सकता हूँ कि कभी कभी चमत्कार होते हैं जी। ए पागल, लगी तो लगी छोटे आ लाल, अरे लाल, अरे लाल, तुम्हें लगी तो नहीं? नारियल कूद गया, नारियल। अरे क्या कर रहे हो, पत्थर क्यों मार रहे हो? और मारेंगे। लाल तुम भागो, तुम भागो। यकीन नहीं आएगा अगर मैं आपको बताऊं कि मैं हवा से भी तेज दौड़ता हूं। उस दिन के बाद मैंने जिथे भी जाना होता मैं दौड़ता, बस दौड़ता ही जाता। एक दिन जी रूपा स्कूल नहीं आई, ता मैं दौड़दा होया उस दे घर चला गया। लाल तुम्हारे पास 10 रुपए हैं? पापा खो जाए। हे भगवान मुझे अमीर बना दो, हे भगवान मुझे अमीर बना दो, हे भगवान मुझे अमीर बना दो, हे भगवान प्लीज मुझे अमीर बना दो, भगवान प्लीज मुझे अमीर बना दो, मेरे भगवान प्लीज रुको अमीर बना दो, मैं दे रहा हूं मुझे 10 रुपए।
उस दिन रब ने उसनु अमीर नहीं बनाया, पर एक चमत्कार होर हो गया जी। रूपा दी मम्मी ने भाग के शादी की थी एक क्रिश्चियन बंदे दे नाल, इसलिए रूपा दी नानी उसके साथ बात नहीं करती थी। रूपा दी मम्मी दे मरण तो बाद पुलिस रूपा नू ले गई उस दी नानी दे पास। होर तुहानू पता है रूपा दी नानी कौन थी? साडे घर विच कम करन वाली फूफी। मैं क्या सी ना कि चमत्कार हुंदे हैं। अब रूपा हमारे साथ रहन लगी। मैं बड़ा खुश था जी, पर रूपा बड़ी उदास उदास रहंदी सी। और रात नू कदी कदी उसनू बहुत डर लगता था। ताओ मेरे साथ आके सो जाती थी। जब हम बड़े हुए ना जी, ता मम्मी ने मैनू ते रूपा नू कॉलेज पढ़न वास्ते दिल्ली भेज दिया जी। रास्ते विच एक बहुत बड़ा रथ जा रहा था जी, बहुत भीड़ सी, ता हम भी रुक गए देखने वास्ते। लाल कृष्ण आडवाणी जी को अपना समर्थन दिया है और लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर। इनका नाम भी लाल है। अच्छा, लाल कृष्ण आडवाणी। ओह, दिल्ली विच भी मैं ते रूपा हमेशा साथ साथ रहंदे सी, जैसे आलू दे साथ गोभी। अरे क्या कर रहे हो यार? लेकिन हमारे गांव के कुछ मुंडे भी हमारे ही कॉलेज में थे। अरे पत्थर क्यों मार रहे हो? भाग लाल भाग। लाल सिंह है सर। होता है सर। पागल होना हो पर दौड़ता बहुत तेज है भाई। बुला इसे। मैनू जी बड़ा मजा आ रहा सी। थोड़ा सा भागने के बाद वो लोग मैनू सीढ़ी पे चढ़ा के हार पहना देते थे। लाल, इनकी बंदूक की आवाज सुनते ही दौड़ना, तुझे रुकना नहीं है बेटा। Oh!
कॉलेज विच मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। हर साल मैं परेड विच हिस्सा लेता था और रूपा किसी चलने दे कंपटीशन में हिस्सा लेती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी विच अचानक ही छुट्टियां शुरू हो गई जी। हेलो जी, सत श्री अकाल जी। लाल, मेरे लिए गोल गप्पे लाओगे प्लीज? आओ जी। हाँ, तुम कहाँ थे? शुक्रिया जी। रूपा नु गोल गप्पे बहुत पसंद थे ते मैनू रूपा। कल पक्का? आज नहीं। मैं ना, मैं प्रॉमिस तोड़ता ना। कल पक्का? प्लीज ना, रूपा आज नहीं ना। मैंने कल, हाँ कल प्रॉमिस, कल। लाल, रूपा, क्या कर रहे हो तुम? दूर रहे। वो है कौन? ये कौन है? पागल? पागल नहीं है, दोस्त है मेरा, थोड़ा कम समझता है ना। सॉरी। तो दोस्त के साथ ही रहो, मैं जा रहा हूँ। हरी रुको, हरी रुको। क्या किया तुमने? क्यों मारा उसको? तेनू परेशान कर रहा था? परेशान नहीं कर रहा था वो। पता है कितने अमीर घर का लड़का था वो? कितने? रूपा, गोलगप्पा। पानी अलग से ले आते ना? आओ। रूपा, मेरे साथ ब्याह करेगी तू? लाल, मुझे बंबई जाना है, मॉडल बनना है और फिर एक्ट्रेस। मशहूर बनूंगी और बहुत अमीर बनूंगी। तुम क्या करोगे लाल? मम्मी ने कहा है फौज विच भर्ती हो जा, पर मैनू किसी नू मारना अच्छा नहीं लगता है। तो रूपा बंबई चली गई? उसने तुम्हारे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। सॉरी, मेरा स्टेशन आ गया, मुझे जाना होगा। बाय अंकल। मैं भी कॉलेज में थी तब, मुझे याद है वो दिन। कितनी छुट्टियां मिलती थी ना उन दिनों। हाँ जी, और अगर छुट्टियां नहीं भी होती थी तो देश विच मलेरिया फैल जाता था। मलेरिया? आओ जी। बम्बई शहर के अलग अलग इलाकों में दंगे भड़क उठे हैं। इस हिंसा का कारण अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का तोड़ना माना जा रहा है। भारी संख्या में लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। आज सरकार ने कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की है। इस हिंसा का तनाव देश भर में महसूस हो रहा है। लाल सिंह चड्ढा, हेलो। लाल, मम्मी, पुत्र अपने कमरे में ही रहना एक हफ्ते तक। क्यों है मम्मी? ओ, देश विच मलेरिया फैलिया है। ओ, ओके। लाल, आज प्रैक्टिस पे क्यों ना आया तू?
सर मैं बाहर नहीं आ सकता, देश विच मलेरिया फैलिया हुआ है। मलेरिया होता है सर। आज दोपहर बंबई शहर को सिलसिलेवार धमाकों ने हिला दिया। सबसे पहला धमाका दोपहर 1:30 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुआ और आखिरी धमाका होटल एयरपोर्ट सेंटोर में हुआ। इसके अलावा ये धमाके लाल, मम्मी पुत्र एक हफ्ते तक अपने कमरे में ही रहना। की होया मम्मी? ओ देश विच फिर मलेरिया फैलिया होया। ओ आओ लाल, अरे दरवाजा खोल यार, रेस है तेरी आज। नहीं सर मैं बाहर नहीं आ सकता, देश विच मलेरिया फैलिया हुआ है। ओ भाई नेशनल चैंपियनशिप है, दरवाजा खोल यार। नहीं सर मम्मी ने बोला बाहर नहीं जाना। अरे समझा यार इसे। बोला था ना सर खोता है। खैर जी कॉलेज पास करना इतना आसान होता है मैं नहीं पता था, दौड़ते दौड़ते ही निकल गया। मम्मी कहती थी कि हमारे घर से हर मर्द फौजी था, ता मैं भी फौज विच भर्ती हो गया। सासेकाल जी, माय सेल्फ लाल, लाल सिंह चड्डा। दांत क्यों दिखा रहा है? हैं? बैठ। सीट रिजर्व है। ये भी पीछे जा। मैं घबरा गया, मेरी ट्रेनिंग दे पहले दिन ही मैनू डांट पड़ चुकी थी, मेरा उत्थे कोई दोस्त भी नहीं था। यहाँ बैठ जा। छड्डी पहनती हो? आओ जी। कौन सी? ए फ्रंट बी फ्रंट? पता नहीं वीरे, जो मम्मी लेके दें दी है। चड्डी बनियान आदमी के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। ये बचपन से अपनी चड्डी बनियान खुद बनाता हूँ, मेरा नाना जी एक्सपर्ट थे चड्डी बनियान में। माय नेम बाल राजू फ्रॉम बॉडी पालियम, सब मुझे बाला कहते हैं। माई सेल्फ लाल सिंह चड्डा, करौली पठानकोट से। सब मैनू लाल ही कहते हैं जी। प्लीज टू मीट यू। सेम हियर। बाला दी फैमिली चड्डी बणौन दी फैमिली थी जी। उस दे नाना फ्रीडम फाइटर्स दे वास्ते चड्डी बणौन बनाते थे। उस दे परनाना अंग्रेजा दे वास्ते चड्डी बणौन बनाते थे। और उस दे परपर नाना ओ राजाओं महाराजाओं नवाबों दे वास्ते चड्डी बणौन बनाते थे। चड्डी बणौन दे बारे उसनु सब कुछ पता था। चड्डी बणौन के बारे में सब कुछ पता है। फौज के बाद मैं वापस जाके चड्डी बणौन का बिजनेस शुरू करने वाले हूँ। जी उस्ताद। फौज में तुम्हारी ड्यूटी क्या है? आपके हर हुक्म का पालन करना उस्ताद। बहन के टके, तुम तो जीनियस हो। जीनियस? तुम्हें पता है तुम जीनियस हो लाल? नहीं उस्ताद, अभी पता चलिया। जीनियस सुना तुम लोगों ने, इसे कहते हैं जीनियस। फौज में मेरे हुक्म का पालन करना सब। मैनू स्कूल दी हर चीज जिन्नी मुश्किल लगती सी, मिलिट्री विच सब उन्ना ही आसान लग रहा था। बस कुछ चीजें ही याद रखनी थी, बिस्तरा ठीक से बनाना, सीधा खड़ा रहना और हर सवाल दे जवाब विच कहना। अन्ना तेरी बनियन का कट तो पूरा ही गलत है। ये देख यहाँ से लूज है और इधर से टाइट है।
ये देख मेरी वाली का कट कैसे फिट होती है और हाथ भी खींचता नहीं है एकदम फ्री और तेरी चट्टी भी ना उसका भी कट गलत है ये देख मेरी वाली मेरा नाना जी बनाई है चंगी है जी हमारा गांव में एक भी ऐसा मन नहीं है जो मेरा नाना जी की बनाई हुई चड्डी बनिया नहीं पहनता हथियार रेडी उस्ताद क्या भाई गॉड तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया तुमने गन इतनी जल्दी असेंबल कैसे कर दी आप मैंने कहा था उस्ताद जल्दी करना इनके टके तुम तो जीनियस हो जीनियस दोबारा करो जी उस्ताद हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि आजकल मार्केट में अलग अलग नया मटेरियल मिलता है चड्डी बनियन के लिए मुझे ऐसी चड्डी बनियन बनानी है जो पसीना से गीली ना हो बहुत बिकेगी तू मुझे बता ना ऐसा एक भी मर्द ने देखा जो चड्डी बनियन नहीं पहनता अरे रास्ते पर घूमता बेगर में और कुछ पहना ना पहने चड्डी कंपलसरी पहनता है चड्डी बनियन के बिना लाइफ में आराम ही नहीं जैसे चड्डी बनियन वैसी लाइफ मुझे अलग अलग टाइप चड्डी बनियन बनानी है सर्दी के लिए एक चड्डी बनियन और गर्मी के लिए एक अलग चड्डी बनियन खेलकूद के लिए एक चड्डी बनियन और सोने के लिए एक अलग चड्डी बनियन और सुहागरात के लिए एक स्पेशल चड्डी बनियन हाँ। तुझे सीखना है आओ फिर मैनू बाला ने चड्डी बनियान बनाना सिखाया तो पहली बनियान मैंने बाला दे वास्ते बनाई दूजी उस्ताद जी दे वास्ते फिर सबने मांगना शुरू कर दिया तो हर छुट्टी दे दिन मैं चड्डी बनियान बनाता था सब दे वास्ते अरे जल्दी से टीवी ऑन करो मिस यूनिवर्स आ रहा है द फर्स्ट रनर अप इज मिस कोलंबिया दैट इज द फर्स्ट फौज विच रात नूं सब नूं बहुत अकेलापन महसूस हुंदा है मैनूं रूपा दी बहुत याद आउंदी सी बंबई जाण तों बाद रूपा दी कोई खबर ही नहीं आई थी जी ओलाल यो देख दो नंगे और एक सांप क्या लक्की है सड़ा सांप पेपर विच लिखा था कि वो बड़ी मुश्किल विच फस गई है उसने कुछ कपड़े पहने थे जो लोकां नू पसंद नहीं आए जी ता पुलिस ने उसनू जेल विच बंद कर दिता मैनू उसकी बड़ी फिक्र हुई जी मैं छुट्टी लेके सीधा बंबई पहुंचा ज्यादा ही नंगा घूमने का शौक है तो चल मेरे साथ क्या जरूरत थी ये सब करने की तुम हर जगह मुझे बचाने नहीं आ सकते लाल वो तेनू गंदी बात कह रहा था तेरे बारे तो क्या हुआ बहुत से लोग मुझसे गंदी बातें करते हैं किन किन लोगों से बचाते फिरोगे सबसे सबसे आहो
रूपा मेरे साथ ब्याह करेगी। तुम्हें ब्याह का मतलब भी पता है? आओ हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं लाल। मुझे आम इंसान नहीं बनना, बहुत ऊपर जाना है, बहुत पैसे कमाने हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो लाल, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे जाना चाहिए। हुण कुछ दिनों विच मेरी पोस्टिंग हो जानी है, पता नहीं किथे। देखो संभाल के रहना और ज्यादा बहादुरी मत दिखाना। कभी जान पे आ जाए तो बस भाग लेना, समझे? रूपा मैं तेनू रोज चिट्ठी लिखांगा। ते फिर रूपा चली गई। भाई ये रूपा है, आपको बताया था ना हीरोइन बनना है इसे। बल्ला और मेरी ट्रेनिंग 1995 में पूरी हो गई जी। एक साल बाद बाला ने शादी भी कर ली। रूपा नु देखे मैनू 4 साल हो गए सी। याद आ रही है ना? मुझे भी। फैमिली चित्रा भवानी बानू जूनियर बाला जूनियर बाला मैं बहुत दिनों से तुमको एक बात पूछनी है। पूछो। आओ मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगी? मैं सब सोच लिया है। हम सर्विस छोड़ने के बाद वापस जाके चड्डी बनियन बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मेरा पूरा प्लान तैयार है। देख तुम मैन्युफैक्चरिंग संभालना तो मैं मार्केटिंग करूंगा। शुरू में हमें सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट करना है। 3 मशीन 30,000 में आएंगे। एक तुम चलाना और बाकी 2 वर्कर्स रखेंगे। तो दिन में 20 चड्डी बनियन सीती हो तो बाकी 2 वर्कर्स 10-10 सीएंगे। मतलब महीने के हो गए 1,000। हमारा सेल दूसरी महीने में शुरू होती है तो भी मैं 800 ऑर्डर इजिली ले आऊंगा। खर्चा वर्चा निकाल कर
तीन महीने में प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। कैसा है मेरा प्लान? चंगा है जी। तो मेरा पार्टनर बनोगी? आओ जी। अगली सुबह हमें एक मिशन पे भेजा गया जी। उस वक्त हमारी पोस्टिंग कारगिल में थी। कप्तान साहब ने कहा कि कुछ दुश्मन घुसा है, उन्हें मार भगाना है। मारना अच्छा नहीं लगता है ना? मुझे भी। तुम दोनों सेम टू सेम है, दूसरी के साथ। जैसे तुम चड्डी, मैं बनियान। बाय बाय। उस इलाके दे कुछ लोकल बकरवाला ने हमें बताया कि पहाड़ियां विच पांच छह दुश्मनों ने एक बंकर बना लिया है जी। ओ बकरवाल हमारे साथ आए जी रास्ता दिखाने वास्ते। मैं मेरे नाना जी दे बारे सोचन लग गया। ओ भी ऐसे ही किसी जंग विच गए होंगे। वहां ऊपर पापा उसका माइक वन बाएं तरफ उन पत्थरों की झुंड में, पापा उसका माइक टू दाहिने तरफ। कप्तान साहब ने छे छे बंदियां दी दो छोटी छोटी टीम्स बना के कवर फायर दे वास्ते बाएं ते दाहिने तरफ भेज दी, और बीच वाली वड्डी टीम अटैक वास्ते। बाला ते मैं अटैक टीम विच थे जी। पत्थरां दी आड़ लेके हम ऊपर चढ़न लगे। पता नहीं था पर वो छे नहीं थे जी। वो बहुत ज्यादा थे। पॉइंट 392 पे आगे बारिश शुरू करें। ठीक पास मैन के पास।
Go for gun position. Offers fire required on point 3928 in 5 minutes. Roger. Confirm RT fire on point 3928 in 5 minutes. All teams fall back. Sorry, teams पीछे आएंगे. Buffers fire यहाँ point 3928 पर 5 मिनट में होने वाली है. Buffers fire की तुरंत बाद हम एक बार फिर अटैक करेंगे. आज ये संगर हम लेकर रहेंगे. मैं भागा, मैं इतना तेज भागा कि थोड़ी देर बाद महसूस होया कि मैं अकेली दौड़ रहा हूं. बाला, पता नहीं बाला कितने रह गया सी. मैं उसको ढूंढने वापस भागा. ढूंढन वापस जांदा कोई और मदद मांग रहा होता. मैनू हर इंसान विच मेरे तीनों नाना जी दिख रहे थे जी. वो भी ऐसे ही जंग से नहीं लौटे थे. कोई नहीं, तू रुका, तू रुक.
बाला बहुत बुरी तरह से जख्मी था जी, मैं उसने लेके दौड़ा, फिर अचानक एक मधुमक्खी ने मेनू कटिया। घबरा मत, कुछ नहीं होगा। बाला ने तो घर वापस जाके बिजनेस शुरू करना सी, लेकिन वो करगिल दी एक पहाड़ी उत्ते मर गया। अरे बस मैं कुछ और नहीं बोलना चाहता। कुछ दिन बाद जंग खत्म हो गई, सारे बहुत खुश थे कि हम जीत गए। मैनू तो सिर्फ बाला दी याद आ रही थी। अंकल वो गोली थी ना, वो जो मधुमक्खी ने काटा था वो गोली थी ना? ओ आहो जी, कहाँ लगी थी गोली? बम पे, दिखावा? नहीं नहीं ठीक है ठीक है। बम पे गोली लगन दा एक फायदा है जी, कुल्फी। मैं एक दिन विच 18 कुल्फियां खा जाता था। सत श्री अकाल जी, माई सेल्फ लाल, लाल सिंह चड्डा। सत श्री अकाल मोहम्मद पाजी, कुल्फी कुल्फी मोहम्मद पाजी ले लो जी। लाल सिंह चड्डा। मेरी सारी चिट्ठियां वापस आ गई थी। शायद रूपा बहुत दिन से घर नहीं गई थी। भाई गुड न्यूज है, रोहित कुमार की डेट मिल गई है अगले महीने से। मुबारक हो भाई। चेयर्स। चेयर्स। उस फिल्म की हीरोइन मैं ही हूँ ना? तुझे रोहित की हीरोइन बनना है मेरी? बोल। रोमांस में भी ड्रामा, हाँ? हीरोइन तो आप ही की हूँ।
वाह प्यार हो तो ऐसा हो। एक मिनट भाई, एक बात बोलूं, प्रिया बड़ी चल रही है आजकल। प्रिया सही रहेगी मंगल से। लोकल मोहम्मद को देखा किसी ने? सवेरे से गायब है, कुछ गड़बड़ है। तो रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा उसका, जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी गलत, और अब गायब। किसको उठा के लाए थे लाल? जी सर जी, नायक लाल सिंह चड्ढा, तुम्हें कमांडिंग ऑफिसर ने बुलाया है। नायक लाल सिंह, 5 लोगों की जान बचाने के लिए तुम्हें वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है, तुम्हें दिल्ली जाना होगा। जो हुकुम सर। और वैसे तुम्हारे पिछवाड़े का क्या हाल है? कभी कभी दुखता है सर। तुम्हारी रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम्हारी मेडिकल कैटेगरी परमानेंटली डाउनग्रेड कर दी गई है, अब तुम कभी किसी दूसरी जंग में हिस्सा नहीं ले सकते, और अगर तुम चाहो तो मेडिकल ग्राउंड्स पे आर्मी से डिस्चार्ज ले सकते हो, मैं अप्रूव कर दूंगा। तब तक तुम हमारी रनिंग टीम के असिस्टेंट कोच बन जाओ। जो हुकुम सर। वेल डन माय बॉय, देश को तुम पे गर्व है। थैंक यू सर। दिन की रोशनी में गंभीरता से सटी गोलियों की बौछार के बीच अपनी जान की परवाह न करते हुए नायक लाल सिंह चड्ढा ने 5 जानें बचाई। ऐसे शूरवीर को भारतीय सेना का सलाम, नायक लाल सिंह चड्ढा। मेरा पुत्र है। तेरे नाना जी होंदे ना तो बहुत खुश होंदे। अब अगे की सोचा तूने लाल? यहां से मंजीत मासी दे घर जावांगा, कल से फिर ड्यूटी करांगा, उस दे आगे पता नहीं। लाल तू फौज तो डिस्चार्ज ले ले, घर आ जा। आहो जी, कैंप पहुंच के फोन जरूर करी। आ जिंदे आ रहे चंगा। रूपा
लफड़ा हो जाएगा। कौन है? बचपन का दोस्त है मेरा, थोड़ा पागल है, इसे नहीं पता तुम कौन हो, छोड़ दो इसे। इसने तेनू मारना नहीं चाहिए था। चुप करो लाल, तुम्हें कुछ नहीं पता, चलो ना। इसने तेनू मारना नहीं चाहिए था। शट अप लाल, चलो जान, छोड़ दो इसे, माफ कर दो। तेरी किस्मत अच्छी है, अपन आर्मी की इज्जत करता। चलो जान, चलो। इतने दिनों के बाद मासी तक कर आया है, कुछ बोल भी नहीं रहा, सब ठीक थे हैं। हेलो, अरे रूपा, इतने दिनों बाद। हाँ लाल, यही तो है, ले बात कर। हेलो लाल, वो दोस्तों के साथ बाहर गया है, सवेरे लौटेगा, मुझे इंडिया गेट पे मिलोगे? हाँ जी, आओ जी। पता है कितना खतरनाक है वो, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। अरे उसने तेनू मारना नहीं चाहिए था रूपा। वो मुझे बहुत अच्छे से रखता है। अपनी अगली फिल्म में मुझे हीरोइन बनाने वाला है, बस गुस्सा खराब है उसका। मैं तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता। पता है लाल, मैनू तेरा बॉयफ्रेंड बनना था। अच्छे लग रहे हो यूनिफॉर्म में, हैंडसम। इन्ने साला बाद दिल्ली विच फिर एक साथ तेरे, चंगा लग रहा है। मुझे भी। हम रात भर चलते रहे जी, रूपा ते मैं, बस बातें करते रहे। उसने बताया कि उसने वड्डी वड्डी फिल्मा विच काम किता, पूरी दुनिया देखी, बहुत मशहूर लोगों से भी मिली। सब उसनु बहुत मानते थे। उसने बताया कि वो बहुत खुश है, लाइफ विच बड़ा मजा आ रहा था उसनु, फर्स्ट क्लास लाइफ थी जी उसकी।
मैं हमेशा तुम्हारी रूबा रहूंगी। जाने न दूं इस दफा, रोक लूं मैं तुम्हें। एक बार फिर रूपा मेरी जिंदगी से चली गई और मैं वापस फौज विच। फौज विच अगले एक साल तक मैं रनिंग टीम दे नाल अलग अलग जगह घूमता रहा। मेडल दिया तुम्हारी सरकार ने तुम्हें मुझे बचाने के लिए। मोहम्मद पाजी, तुम जैसे कम अकल बेवकूफ इंसान को मेडल दिया तुम्हारी सरकार ने। आओ पाजी। और अब तुम विदेश घूम कर आए हो, वो भी सरकारी खर्चे पर। आओ जी। अच्छी है तुम्हारी सरकार। तुसी कैसे हो मोहम्मद पाजी? अपाही जी हूं अभी तक। अचानक मेरी जान बचाने वाला दिख गया। सोचा उसे एक बार मिलके कोस लो, गालियां दे लो। मोहम्मद पाजी एक छोटे से कमरे विच रहते थे। एयरपोर्ट विच किसी ने अपना एसटीडी बूथ उन्होंने चलाने वास्ते दिया था। पब्लिक में मैनू गालियां देना उन्होंने ठीक नहीं समझा, ता वो मैनू अपने घर ले गए। पाजी तुसी इत्थे रहंदे हो बंबई विच? अरे घर जाने की बहुत कोशिश की, बहुत। साले मुर्दा लाशें नहीं ले गए, जिंदा इंसान क्या ले जाते? क्यों जी? जरूरत खत्म हो गई थी। सुनो, जन्नत में अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तैयार किया एक एक मर्द के लिए 72 खूबसूरत हूरें, और हूरों की चमड़ी का रंग इतना साफ के उनकी पिंडलियों का गूदा तक नजर आएगा। खुदा एक तरफ, खुदा को समझाने वाले एक तरफ, हम साले बेवकूफ क्या सोच कर कूदे थे। तुम्हें पता था मैं कौन था जब तुमने मुझे बचाया? बता। पता था मैं कौन था? नहीं जी। दुश्मन था बेवकूफ, तुम लोगों को मारने आया था और मार के मर जाने आया था। किस्मत देखो साली, मुझे कंधे पे उठा के दौड़ा मेरा दुश्मन। बिना टांगों का जिस्म बचाने दारू पिलाओगे लाल मियां? चंगा है ना प्लान पाजी। बाला कहता था कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा और वो मार्केटिंग, पर अब वो नहीं है ना जी, ता मैं खुद ही दोनों काम कराऊंगा। तुम करोगे बिजनेस चड्डी बनियान का, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग? आहो जी, मैंने बाला नू कारगिल विच वादा किया है, हम दोनों पार्टनर है ना जी। इनसे मिलिए लाल सिंह चड्डा, नायक लाल सिंह चड्डा, करोड़पति लाल सिंह चड्डा, बिजनेसमैन लाल सिंह चड्डा, जिनकी फैक्ट्री शुरू होने से पहले उनका मार्केटिंग मैनेजर मर गया। यह हक था लाल मिया, आप बन गए मैन्युफैक्चरर, मैं बन जाऊंगा मार्केटिंग मैनेजर।
चंगा जी बेवकूफ, इस दिन तुम बिजनेसमैन बनोगे, उस दिन मैं फुटबॉल खेलूंगा। तो दोस्तों, नया साल लेकर आता है नई उम्मीदें, नई शुरुआत का एक और मौका, नई शुरुआत करने का एक और मौका। इस सब शोर शराबे विच मैनू एकदम से रूपा दी याद आई। मैं सोचन लग गया कि वो नया साल कैसे मना रही होवेगी। नहीं जाना चाहिए। तो कहां जाना चाहिए? कार चल। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो ला? क्योंकि तू मेरी रूपा है। फौज तो मैनू डिस्चार्ज मिलन दे बाद मैं घर वापस आया। मम्मी नू बड़ा चंगा लग्या ते मैनू भी। कुछ दिन बाद मन किया कि बाला दे घर वालों से मिलन वास्ते जाऊं। ता मैं बुड्ढी पालम गया जी। उस दे गांव उसकी घरवाली से मिला मैं। उनका तातैया का डेथ हो गया। तातैया? ग्रैंडफादर। ओ नाना। हाँ। और हमको टेलरिंग का भी कुछ नहीं मालूम। अम्मा ने बमचीर बागुंदी नाना। गांव वालों ने बाला दी समाधि बनाई थी जी, मैं उत्थे भी गया। ए देख बाला, तेरी कापी वीरे अभी मेरे पास है। अपना वादा मैं भूला नहीं हूं। जो शुरू में 1,00,000 रुपए चाहिए ना, उसमें से कुछ तो मेरे पास है और बाकी मैंने मम्मी से बात की है। तू बिल्कुल फिक्र ना कर वीरे। और तेनू पता है अपनी फैक्ट्री कहां शुरू हो रही है? रूपा दे कमरे विच। मैंने रूपा ते मोहम्मद पाजी नू खत लिखिया कि मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं। मैंने 3 मशीनें खरीदी, कपड़ा खरीदा, 2 टेलर काम पे लगा दिए। मैं एक दिन विच 20 सेट सीता था और वो दोनों 10-10, मतलब एक दिन विच 40 सेट।
एक महीने विच 1000 सेट बन गए जी, ठीक वैसे ही जैसे बाला ने कहा था। बहुत अकलमंद था जी बाला, जैसे उसने प्लान बनाया था ठीक वैसे ही होया। हमें तो चड्डी बड़ियान बनाने में बहुत मजा आ रहा था, तो हम बनाते गए। बस उसने जो आखिरी पन्ने पे लिखा था वो नहीं हो रहा था जी, पता नहीं क्यों हम महीने दे 800 सेट नहीं बेच पा रहे थे। पुत्तर मैनू खेती दा काम आंदा है, ए चड्डी बने आंदा नहीं। और फिर अचानक एक दिन पता है कौन आ गया। शुक्रिया मोहम्मद पाजी, मोहम्मद पाजी, मोहम्मद पाजी, पाजी तुसी इत्थे की कर रहे हो? सोचा थोड़ी सिलाई मशीन चला लो। पर पाजी तुहाडे तो पैर नहीं है ना? पता है मुझे बेवकूफ, तुमने खत लिखा था ना मुझे, बाला अंडरवियर बनिया ना। क्या बात है, सचमुच बन गए तुम बिजनेस में। आओ जी, तुम्हें आ गया तुम्हारा मार्केटिंग मैनेजर बनने। वादे का पक्का हूं लाल मिया, स्टॉक किधर है? अब तक एक भी सेट नहीं बिका? 5 सेट बिके हैं जी, मम्मी ने खरीदे हैं मेरे वास्ते। मोहम्मद पाजी ने मैनू आइडिया दिया, हमने एक पे एक सेट फ्री बेचना शुरू किया। फिर भी हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकिया था, मोहम्मद पाजी ने किया कि एक पे 2 फ्री देते हैं। फिर भी माल नहीं बिकिया ता हमने एक पे 3 फ्री देना शुरू किया। जब फिर भी हमारा माल नहीं बिकिया ता हमने नया माल बनाना ही बंद कर दिया। या खुदा! पेंदे, ओ पेंदे, अरे अरे ये दे पेंदे। लड़की, लड़की का नाम देते हैं अपने प्रोडक्ट को। की गल कर दे पाजी, ऐता मर्दों का प्रोडक्ट है। मर्दों को क्या चाहिए लाल मियां, लड़की तो चाहिए। लिखो लिखो, किसी लड़की का नाम लिखो। लिख लाले। सॉरी बाला वीरे, मैनू ता बस एक ही कुड़ी दा नाम मालूम था, दुनिया दा सब तो सोना नाम रूपा। बरेगी बात लाल मियां, अब बरेगी बात। ते सचमुच चमत्कार हो गया जी, सड्डा प्रोडक्ट काफी बिकन लग गया, रूपा अंडरवेयर बनियान। देख दे 3 सिलाई मशीन से 9 मशीनें हो गई जी। हाँ, फिर हमने एक वड्डी जगह ले ली, फिर जी उस तो भी वड्डी। आज हमारी कई सारी फैक्ट्रियां हैं जी, और हमारा हेड ऑफिस दिल्ली विच। बहुत पॉपुलर है हमारा प्रोडक्ट, शायद आपने भी पहनी होएगा। हाँ, एक मिनट, क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप रूपा कॉर्पोरेशन के मालिक हैं? आओ जी। वेरी गुड। मैडम देखिए, हम 1 करोड़पति के साथ बैठे, वो भी सेकंड क्लास नॉन एसी में, रूपा कॉर्पोरेशन। कुचन, बड़ी दिलचस्प कहानी है तुम्हारी बेटा, और तुम सुनाते भी कितना अच्छा हो। थैंक यू जी। तुसी मोहम्मद पाजी दी फोटो देखनी है? जरूर। ए देखो जी,
इंडिया टुडे ने मोहम्मद पाजी और मैनू अपने कवर पे छापा था। मुझे भी दिखाइए जरा। कुछ साल पहले हमें अवार्ड मिला था जी, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। स्मार्ट लग रहे ना मोहम्मद पाजी सूट विच। रूपा कॉर्पोरेशन। हाँ जी, रूपा कॉर्पोरेशन। मैंने रूपा कॉर्पोरेशन दे मुनाफे विच दो हिस्से बना दिए। मोहम्मद पाजी मैनू बेवकूफ कहंदे, पर हर साल एक हिस्सा बाला दी करवाली नू जांदा है। मोहम्मद पाजी ने मेरा हिस्सा कोई तवेले विच लगा दिया है जी। वो कहंदे है कि अब मैनू पैसे दी चिंता करन दी जरूरत ही नहीं है जिंदगी पार। बड़े ही चंगे इंसान है मोहम्मद पाजी। मम्मी बाला और रूपा दे बाद मेरे सबसे चंगे दोस्त। के इन आतंकवादियों ने 7 घंटों से पूरे शहर को गोलाबारी से दहशत में रखा था। आतंकवादियों के इस हमले में 175 से अधिक लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। इस्माइल खान पुलिस द्वारा मारा गया, लेकिन अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। सूत्रों के अनुसार कसाब की उम्र सिर्फ 21 साल है। मुंबई सुरक्षा बलों की तुम्हें कभी शुक्रिया नहीं कहा ना मुझे बचाने के लिए। थैंक यू लाल। वेलकम पाजी। मैंने तुम्हें कभी इबादत करते नहीं देखा, पूजा पाठ कुछ नहीं। क्यों? वो मेरी मम्मी कहती है कि मजहब से कदी कदी मलेरिया फैलता है। और रब तो हमारे अंदर है जी। मम्मी दे अंदर, मेरे अंदर, तुआडे अंदर। पाजी तुसी कार नहीं जा रहे हो? अभी यही सोच रहा था लाले, मुझे अब घर चले आना चाहिए। मुझे कहा था यहां सब दुश्मन है, काफिर है। फिर मुझे तुम मिल गए। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुमने मुझे बचाने की। दुश्मन दे सोच कर आया था, दोस्त मिल गया। पता है लाल, दरअसल मलेरिया हो गया था मुझे। तुमने मुझे तो बचा लिया, पर वहां अब भी मलेरिया फैला हुआ है। मुझ जैसे कितनों को बहकाया जा रहा है, दुश्मनी सिखाई जा रही है। लले, मैं वापस जाके एक स्कूल खोलना चाहता हूं।
वहां बच्चों को तुम्हारे ऐसे दोस्तों के बारे में सिखाना चाहता हूं। पाजी मैं तुहानू चिट्ठी लिखांगा। शुक्रिया लाले, शुक्रिया। ते फिर एक दिन मोहम्मद पाजी अपने घर चले गए। पर जाने से पहले उन्होंने रूपा कॉरपोरेशन नू संभालन वास्ते बहुत स्मार्ट लोगों को नौकरी पे रख लिया। बाला ते रूपा दे साथ साथ अब मैं मोहम्मद पाजी नू भी मिस करन लग गया। हेलो साहब, बहादुर बोल रहा हूँ घर से। मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब है, आप आ जाओ जल्दी। लाल आजा बैठ। लाल की होया मम्मी? कुछ नहीं पुत्र, जा रही हूं मैं। क्यों जा रहे हो? क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो गया लाल। इसमें घबराने की कोई गल नहीं है लाल। हर किसी नू जाना पैंदा है। कुछ अलग नहीं हो रहा मेरे नाल बच्चे। जिंदगी दा ही हिस्सा होंदी है मौत। मेरी तकदीर अच्छी थी कि मेरी जिंदगी में तू आया। अपना साथ बस यहीं तक लिखा था लाल। मैं जितना कर सकती थी मैं किता। कुछ सही शायद कुछ गलत। ना जा मम्मी। काश जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है लाल। पेट भले ही भर जावे मन नहीं भरता। अपना ख्याल रखी। उनानू कैंसर होया सी। गुरुवार दा दिन था जद ओ चल बसी। मम्मी हमेशा कहती थी कि तुहाडी जरूरतें पूरी होने दे बाद भी जो भी तुहानू मिलता है वो समझ लेना कि वाहेगुरु ने वो तुहानू किसी होर दे वास्ते दिता है। तां मैं जी मम्मी दे नाम पर एक अस्पताल खोलिया। उसकी देखभाल हमारे पुराने डॉक्टर साहब करते हैं। वहाँ सबका इलाज मुफ्त होता है जी। मम्मी चल बसी तो खेती संभाल वास्ते कोई नहीं बचिया। मैं अगर फैक्ट्री संभाल वास्ते चला जाता तो काम करन वाले मजदूरा दा की होंदा। ता मैं वापस ही नहीं गया जी, घर विच रह के खेती करन लग गया। दिन भर ता काम विच उलझा रहिंदा सी, पर जैसे ही रात हो जाती थी रूपा दी याद सताने लगती। रूपा नू देखे मैनू बहुत साल हो गए थे। मैनू उसकी बहुत याद आती सी।
फिर एक दिन वो वापस आ गई जी अचानक। मैंने उस दे वास्ते मम्मी दा कमरा साफ किया। लगता था बहुत थक गई थी वो। पहले कुछ दिनों तो बस सोती रही दिन पर रात पर। मैंने उसनु सारा कुछ बताया, बाला मोहम्मद पाजी फैक्ट्री ते रूपा कॉरपोरेशन। मैंने उसनु बताया कि अब उसनु पैसे दी चिंता करन दी कोई जरूरत ही नहीं है। उसे जितने पैसे चाहिए थे मैं दे सकता था, पर अब उसनु पैसे नहीं चाहिए थे। ओ ज्यादातर खामोशी रहंदी। बस एक बार जब हमारा नौकर दारू पी के करवाली नू पीट रहा था, ता उसने जाकर बहुत गालियां दी। उसनू पीटा और फिर खुद ही रोती रही बहुत देर तक। बस रूपा, फिर एक दिन जी रूपा मुस्कुराई। हम साथ साथ खेत विच काम करते थे, दिन भर साथ में रहते थे, जैसे आलू दे साथ गोभी। पुरानी वाली जादूगरनी मिल गई जी, जो एरोप्लेन नू पकड़ के जेब विच रख लेती थी। उसने जी मैनू डांस करना सिखाया। ऐसा लगने लगा कि हम दोनों अपने आप में एक फैमिली थे जी। ओ मम्मी ते मैं पापा। ओए होए, मैनू अपनी लाइफ विच इन्नी खुशी कदी नहीं मिली जी। उस साल दिवाली ते उसने मैनू सब तो वधिया गिफ्ट दिता। जुत्ते। राज जी, रूपा मेरे साथ ब्याह करेगी तू?
मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगा। पता है लाल, लेकिन तुम मेरे साथ ब्याह नहीं करेगी क्योंकि मैं स्मार्ट नहीं हूं, बुद्धू हूं, इस वास्ते। नहीं लाल, ऐसी बात नहीं है। शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पीछे क्योंकि मेरा कुछ भरोसा नहीं है। मैं होशियार नहीं हूं पर मैं मैनू पता है कि प्यार की होता है। मैं यहाँ हूँ, उसे मत जगाइए। चलिए लम्हों में आए।
मैं दौड़न लग गया, पता नहीं क्यों, बस मन किया। मैं मेन रोड तक दौड़िया, फिर सोचा मार्केट तक दौड़ता हूँ। मार्केट तक पहुंचा तो सोचा शहर तक दौड़ लेता हूँ। जब शहर भी पीछे छुट गया तो मैं सोचा थोड़ा और अगे तक दौड़ लेता हूँ। दौड़ते दौड़ते मैं इन्ना अगे निकल गया कि अद्धा पंजाब ही निकल गया जी। तो मैं सोचा कि ठीक है पूरा ही दौड़ लेता हूँ। रुकन का मन ही नहीं कर रहा सी, तो बस फिर मैं उस तो बाद बस दौड़ते ही गया जी, दौड़ते ही गया। रामलीला मैदान में आज 12 दिन से अन्ना हजारे जी अनशन पे बैठे हैं और इस जन लोकपाल बिल की लड़ाई में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और इस बीच कौन आदमी है, तुम लोग रोकते क्यों नहीं हो, पागल गई के? अभी अभी खबर आई है कि अन्ना हजारे जी ने अनशन तोड़ दिया। जी हाँ, समुंदर आया तो मुड़ गया, फिर एक होर समुंदर आया, फिर मुड़ गया। पहाड़ी आई तो मुड़ गया, बस दौड़ता रहा। आपको याद दिला दे कि कुछ महीनों पहले मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम ने अब्बास हाजी की गर्लफ्रेंड रूपा डिसोजा को पंजाब के एक छोटे गांव से अरेस्ट किया था। रूपा डिसोजा की इंफॉर्मेशन की मदद से आज पकड़ा गया अब्बास हाजी। मैं काफी सोचता था मम्मी दे बारे, बाला और मोहम्मद पाजी दे बारे, पर सबसे ज्यादा रूपा दे बारे। हाई कोर्ट ने आज फैसला सुनाया अब्बास हाजी और रूपा डिसोजा केस में। 90 दशक की मॉडल रूपा डिसोजा की मदद से पकड़ा था अब्बास हाजी को। अब्बास हाजी को आज 5 मर्डर केस में उम्र कैद की सजा और इस केस में अप्रूवर रूपा डिसोजा की मदद को मद्देनजर रखते हुए 6 महीनों की छोटी सजा सुनाई गई है। अब आगे बढ़ते और मिलते हैं देश भर में दौड़ लगाने वाले एक अतरंगी शख्स से। लाल सिंह जी, क्या आप वर्ल्ड पीस के लिए दौड़ रहे हैं? लाल सिंह जी, क्या आप नारी शक्ति के लिए दौड़ रहे हैं? लाल सिंह जी, क्या आप पर्यावरण के लिए दौड़ रहे हैं? एक दिन कुछ टीवी वाले मेरा फोटो लेने लग गए। अरे दादा दादा दादा, आपको मैंने टीवी पर दौड़ते हुए देखा। मैंने तब भी अपने वाइफ से कहा कि इस बंदे में कुछ बात है,
दादा दादा आपको तो सब कुछ पता है, मैंने आपसे वाइफ के कहा दादा आप जहाँ जहाँ दौड़ेंगे मैं भी आपके पीछे पीछे दौड़ना चाहता हूँ दादा। उस दिन तो बाद एक बंदा मेरे पीछे पीछे दौड़न लग गया ते फिर कुछ होर लोग मेरे पीछे दौड़न लग गए ते फिर कुछ होर। कह रहे थे कि उन्होंने मुझसे कुछ उम्मीद मिलती है। उम्मीद के बारे में तो मैंने कुछ नहीं पता, मैं तो बस दौड़ रहा था। सत महीने दो हफ्ते होर तीन दिन तक भागा जी। रुक गया शायद कुछ बोलने वाला है। अरे चुप करो चुप करो, लाल सिंह जी कुछ बोलने वाले हैं। लाल सिंह जी आप क्यों रुक गए हो? मैं थक गया जी, मैं घर वापस जा रहा। हाँ तो जैसे कि आपने देखा कि लाल सिंह जी थक गए हैं, घर वापस जा रहे हैं अपने, और हम आपको ऐसी अजीबोगरीब कहानियां। अजीब पागल आदमी है, बने रहिएगा समाज संचार के। पागल नहीं है वो। कैमरामैन शफी खान के साथ गुलाम वारिस ठाकुर, धन्यवाद। मैं कुछ कुछ अपने तीनों नाना जी जैसा लगन लग गया जी। मैनू बड़ा चंगा लग्या जी। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया।
साहब, आप जब बाहर थे ना तो ये चिट्ठियां आई थी रूपा दीदी की, और बहुत दफा फोन भी किया उन्होंने। ए, देखो जी, रूपा ने मैनू चंडीगढ़ आने वास्ते चिट्ठियां लिखी हैं। अरे वाह, टीवी विच देखा उसने मैनू दौड़ते हुए। अरे अंकल, चंडीगढ़ स्टेशन तो आ गया। अरे सुनिए लिली जी, हटो जी, हटो हटो हटो। बाय, गुड लक। पेरी पेना, पेरी पेना, सत श्री अकाल। बाय बाय। लाल, हाय। हेलो जी। तुम पगड़ी कब से पहनने लगे हो? इतने अच्छे लग रहे हो। आओ ना अंदर। मैं तुहाडे वास्ते लेके आया गोलगप्पे। वो रास्ते विच भूख लगी तो कुछ खा लिए। कोई बात नहीं। और ए पानी अलग से लाए जी। बैठो। ऐता दिल्ली दी है ना? हाँ। मैंने तुम्हें टीवी पे देखा भागते हुए। हाँ जी, बहुत भागा मैं। मैं भी। लाल, मैंने शायद तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, बहुत। लेकिन मैं अपने आप से ज्यादा ज्यादती कर रही थी। सब कुछ गलत था, लेकिन अब सब ठीक है। मामा। अरे उठ गए बेटा, आओ। ये देखो, मेरे सबसे अच्छे दोस्त से मिलो। हेलो कहो। हेलो अंकल। हेलो जी। मामा, मैं कार्टून देखने जाऊं। तुम मम्मी बन गई? हाँ, मैं मम्मी बन गई। नाम की है इसका? अमन, अमन चड्डा। ये भी चड्डा है? हाँ, क्योंकि इसके पापा भी चड्डा है। लाल सिंह चड्डा। इसके पापा का नाम भी लाल सिंह चड्डा है? लाल, तुम ही इसके पापा हो। लाल सुनो, लाल सुनो, रिलैक्स रिलैक्स लाल, तुमने कुछ गलत नहीं किया। लाल लाल, मुझे देखो, लुक एट मी, सब कुछ सही है, समझे? कितना प्यारा है ना। तो प्यारा लेकिन ये स्मार्ट है या फिर मेरी तरह? बहुत स्मार्ट है, अपनी क्लास में सबसे तेज।
मैं जा सकता हूँ उसके पास। लाल, मैं बीमार हूं। क्यों होया? पता नहीं, डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा है। तुसी दोनों कार चलो, मैं देखभाल करांगा। लाल, विवाह करोगे मुझसे?
संग तेरा। लाल, जब तुम कारगिल में थे तुम्हें कभी डर लगा था? हाँ जी, पर रात नो जद हिमालय चमकता था तो बहुत ही चंगा लगता था। और कन्याकुमारी विच जद मैं सूरज नू डुबते हुए देखिया तो ऐसा लग गया कि पानी विच लखों तारे चिलमिल कर रहे हैं। और लद्दाख विच जब मैं दौड़ रहा था तो ऐसा लगा जैसे दो दो आसमान है। और रेगिस्तान दी शाम विच मैं तारे गिनदे गिनदे भुल गया कि मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं। बस सुकून ही सुकून। काश मैं तुम्हारे साथ होती उस वक्त। तू थी मेरे साथ। I love you, Lan. आज बरसी है तेरी। कैसी है तू? मैं ठीक हूं। अमन भी ठीक है। बहुत चंगा बच्चा है जी। वो अपना सारा काम खुद करता है। कल से नवे स्कूल भी जाने वाला है, अपना पुराना स्कूल। मैं उसनु टिट्टी सिखा रहे हैं और सिलाई भी। तू होती तो एरोप्लेन पकड़ना सिखा देती। और मैनू कहानियां पढ़ के सुनांदा है। बहुत स्मार्ट है। तेरे वास्ते चिट्ठी लिखी है उसने। मैनू पढ़ना मना है। तू पढ़ लेना बाद में। तेनू बहुत याद करता। मैं भी मम्मी कहती थी कि हर एक दी अपनी तकदीर होंदी है। मोहम्मद पाजी भी यही कहते हैं कि सारा कुछ लिखा होंदा है। मैनू नहीं पता कितने लिखा है सब, किसने लिखा है और क्यों लिखा है जो लिखा है। जो भी होंदा है वो हम कर दें या फिर हम हवा में चाहे वहीं उड़ते फिरते हैं यहां से वहां। मैनू नहीं पता। शायद दोनों ही थोड़ा थोड़ा। तू होती तो समझा देती। मैनू तेरी बहुत याद आती है रूपा।
बहुत याद आती है। देख पुत्र, बहुत मेहनत करनी है, जितनी तेरे से हो सके उससे भी थोड़ी ज्यादा। जी पापा। मैं जावा? जी पापा। जावा मैं? जी पापा। ठीक है, मैं शाम नू तेनू लेने वास्ते आ जावांगा। बाय बाय पापा। बाय बाय अमन। जी पापा। आई लव यू पुत्र। आई लव यू पापा। आरजी एंटरटेनमेंट के साथ आप 2K और 4K USD में अनलिमिटेड अनरिलीज मूवीज का आनंद ले सकते हैं, जो सिर्फ $5 प्रति माह है। हम बाजार में उपलब्ध सबसे नवीन इनोवेटिव कंटेंट को प्राप्त करने और डिलीवर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप पैकेज में शामिल होते हैं तो न केवल आप तुरंत अनरिलीज नए थिएटर मूवीज एक्सेस प्राप्त करते हैं, एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली मूवी अपलोड, नई हिंदी मूवीज रोज शाम 7 बजे, 2K में क्वालिटी कंटेंट और अद्भुत 4K USD रेजोल्यूशन। आप RG एंटरटेनमेंट की प्रबंध टीम के साथ लाइव चैट करने के लिए विशेष एक्सेस भी प्राप्त करते हैं। आज के डिजिटल स्पेस में हिंदी फिल्मों के प्रमुख डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर, प्रीमियम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन पैकेज ज्वाइन करें और आज ही टॉप फिल्मों का आनंद लेना शुरू करें। RG एंटरटेनमेंट, असीमित एंटरटेनमेंट।